वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख पा रहे हैं, ये उधमपुर ज़िले की तहसील रामनगर के दूरदराज गांव क्षेत्राड़ी के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम धुनी चंद है, और ये जो है वो हरिद्वार में गए थे, लेकिन ऐसे में वहाँ पर जो है वो अपने साथियों से ये बिछड़ गए हैं और लापता हुए हैं, जिनके बारे में फिलहाल कोई भी अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि परिजनों द्वारा हरिद्वार में जो है वो एक थाने में जो है वो इस हवाले से कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई है, लेकिन परिवार इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अपने रिश्तेदारों से, अपने चाहने वालों से लगातार इनके बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है, पता लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई भी जो हो पता नहीं चल पाया है और परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ऐसे में आप लोग, अगर आपको ये व्यक्ति जो है वो कहीं भी दिखते हैं, तो आप लोग जो है वो अपने नज़दीकी थाने में इस हवाले से जो है वो जानकारी दे सकते हैं, ताकि ये व्यक्ति जो है वो अपने परिवार में वापस लौट सके, क्योंकि परिवार का इस समय बुरा हाल है और काफ़ी बुजुर्ग हैं जो कि हरिद्वार में गए थे अपने साथियों के साथ, लेकिन वहां पर ये लापता हो गए हैं और जिनके बारे में अब तक जो है वो कोई भी पता नहीं चल पाया है। नमस्ते, मैं रामपाल, हमारे गांव का नाम छतरेड़ी, तहसील डुड्डू बसंतगढ़, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, यूटी जम्मू एंड कश्मीर से मैं बात कर रहा हूं। तो 13 तारीख को हम हरिद्वार की यात्रा के लिए गए थे, साथ ही हमारे चचा धुनी चंद जी भी थे, जिनकी उम्र 75 साल है। तो वहाँ दर्शन करने के बाद जब वापस लौट रहे थे, तो काफ़ी रश और रोड में जाम लगने की वजह से वहाँ हमारे ग्रुप से थोड़े वो बिछड़ गए। हमने काफ़ी 1-1.5 दिन उनको ढूंढा, मिल नहीं पाए। फिर हमने उधर हरिद्वार पुलिस स्टेशन कणखल में गुम की रिपोर्ट दर्ज करवाई, फिर भी पता नहीं चला। तो उसके बाद हमने ये मीडिया का सहारा लेना चाहा, ताकि उनका कहीं से कोई पता चल सके। जय हिंद।